हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद मानवेन प्रताप सिंह। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज की शुरुआत की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में हम लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, नंबर के बारे में डिस्कस किया था, जेंडर के बारे में डिस्कस किया था और प्रोनाउन का हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। आज बच्चों, हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को थोड़ा सा रोक करके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम स्टडी करते हैं। जैसा कि बच्चों, जब आप अपने इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो टॉपिक होती है उसे हम लोग कहते क्या है, सेंटेंस। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं सेंटेंस टॉपिक की। सेंटेंस टॉपिक्स में आए हुए चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं और सेंटेंस टॉपिक्स में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करेंगी, बिलोंग करेंगी, तो उन सारे टॉपिक को हम लोग वहाँ पर रिपीट कर देंगे और वहाँ पर इंडिकेट करते जाएंगे कि ये टॉपिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अच्छे से स्टडी करवाएंगे। तो उन टॉपिक्स को अपने माइंड में सेट रखिएगा कि किन किन टॉपिक्स की हमें स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में करनी है। तो आते हैं बच्चों, समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन को छोड़ करके अपने दूसरे अन्य टॉपिक्स में से। इसमें से आज आपकी टॉपिक हम स्टडी करेंगे जो आपकी आपकी टॉपिक्स में होगी क्या, सेंटेंस टॉपिक। तो आते हैं, थोड़ा सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में काइंड्स क्या होते हैं, किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक बहुत ही डीप लेवल पर स्टडी ना करते हुए एक लाइट लेवल पर हम स्टडी करेंगे कि थोड़ा सा समझ में भी आपको क्लियर रहे। बहुत ज़्यादा डीप ले जा करके और वहाँ पर अच्छे से स्टडी कराने की जो प्रक्रिया होगी वो क्लासरूम्स में होगी, लेकिन यहाँ पर वीडियो लेक्चर में हम उतनी ही बातों को क्लियर करेंगे जितना कि आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जान रहे हो कि संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी से पूरी तरह से जूझ रहा है, तो इसलिए हमारा हमेशा से सतत से प्रयास रहा है कि हम आपके सम्मुख उपस्थित रहें और आपको कभी भी आपकी अध्ययन के प्रति आपको कभी भी कमी ना महसूस होने दें। अब जिम्मेदारी आप सब लोगों की है कि आप लोग अच्छे से इन सब चीज़ों का लाभ उठाएँ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। कौन से बच्चों, सेंटेंस। आज बच्चों स्टार्ट करेंगे द स्टडी ऑफ सेंटेंस। तो समझते हैं कि सेंटेंस क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, सेंटेंस और टेंस के बीच का क्या डिफरेंस होता है। भाई सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस भी हम लोग पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस और टेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं आज, थोड़ा सा इसके फॉर्मेशन के बारे में चेक करते हैं। तो देखिए, पहले इसकी आप लोगों ने एक चिरपरिचित डिफिनेशन जो इसकी होती है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आते हैं उस चिरपरिचित डेफिनेशन को एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर भी होता चले कि हाँ, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो आपको रिवाइज होता चले। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पढ़ा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आपको हमने वर्ड्स के बारे में स्टडी किसमें करवाई थी कि वर्ड्स किसे कहते हैं, अपने पहले वीडियो लेक्चर में ही आपको हम लोगों ने, जो कि आपका बेसिक्स था, बेसिक जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेक्चर थी, वहां पर मैंने इस चीज़ की स्टडी कराई थी कि वर्ड किसे कहते हैं, लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, सारी की सारी चीज़ों, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, साउंड क्या होते हैं, वॉवल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, वो सब की स्टडी हमने फिर वर्ड की स्टडी कराई थी। तो वहां पर से आप वर्ड के बारे में जाकर के फिर से आप क्लियर कर सकते अगर कुछ मिस हो रहा हो। तो चलते हम लोग सेंटेंस, हमने जाना क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस एंड मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन को लेकर के बहुत सी बातें हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में थोड़ा गलत पढ़ा, ये सही किया, वो किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग सीधे समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन क्या समझा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या देता हो, एक अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा हो, जिसका एक अपने आप में पूर्ण सेंटेंस हो या वर्ड्स का एक क्लियर अरेंज हो। जब वर्डों का एक अच्छा क्लियर अरेंज होगा तभी वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो आप लोगों ने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे और वो ग्रामर के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी, एक छोटी सी बात समझिएगा कि होता क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो तो चलिए छोटी मोटी बातें वो तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज को और गौर से ध्यान देना है कि उसे ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत मांगता है। भाई ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर करेक्ट नहीं होगा, भले उसका सेंस आपके पास सही आ रहा हो, लेकिन अगर वो ग्रामर के दृष्टिकोण से सही नहीं है तो फिर भी उसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे।
जैसे यहाँ पर हमने कहा, हमने कह दिया कि आई हैज अ बुक, हमने लिख दिया क्या यहाँ पर, आई हैज अ बुक। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ये वर्ड हो गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। हमने कहा आई हैज अ बुक, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक किताब है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सर सेंस तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, और वर्ब आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ग्रामेटिकली हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ग्रामर के दृष्टिकोण से पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर इंडिकेट किया कि ये ग्रामर की दृष्टिकोण से भी सही होना चाहिए। अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है, भले उसका एक कंप्लीट सेंस है, तो बच्चा फिर अपने आप में सेंटेंस नहीं होगा, वो अपने आप में गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शब्दों का समूह हो और ग्रामेटिकली अपने आप में करेक्ट हो, ग्रामर के दृष्टिकोण से सही हो, तभी वो आपका क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो इसका मतलब अगर इसको ग्रामर के दृष्टिकोण से सही होना है तो यहाँ पर हैज की जगह क्या होना चाहिए, है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव अ बुक। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर सी आपका, अब इसे आप सेंटेंस कह सकते हो। हमने कह दिया सीता इज प्लेइंग पियानो इन हर रूम। तो यहां पर आपने देखा सर ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका अपने आप में कंप्लीट सेंस है, तो ये भी क्या हो गया, सेंटेंस। हमने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो ये भी आपने देखा क्या सर, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंस है, तो ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो देखिए छोटी सी बात यहाँ पर हमने देखा क्या कि सर शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस हो वही क्या होता है, हमारा सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में क्या हो, सही क्रम में अरेंज हो, ग्रामर के दृष्टिकोण से सही हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पर से क्लियर हो गई होगी। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके बाद किस किस स्टडी को थोड़ा समझते हैं, और समझते पहले इस चीज को है कि सर सेंटेंस और टेंस के बीच का क्या डिफरेंस होता है, सेंटेंस और टेंस का क्या मतलब होता है सर, क्या सेंटेंस टेंस हो सकते हैं, क्या टेंस सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो सर क्या है वो। तो आइए इन सब चीजों की स्टडी करते हैं कि सेंटेंस और टेंस के बीच क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए यहां पर सेंटेंस एंड टेंस के बीच का डिफरेंस, बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। तो देखिए यहां पर से जो टेंस होगा वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका भी अपने आप में कंप्लीट सेंस होना चाहिए। सेंटेंस जो होता है बच्चों वो भी क्या होगा, अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका भी अपने आप में कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस और टेंस के बीच का जो है वो दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन सेंटेंस और टेंस के बीच का अंतर क्या होता है। तो देखिए बच्चे जो टेंस होता है, टेंस हमारा जो होता है वो किस चीज की स्टडी कराता है कि जो एक सेंटेंस होता है, सबसे पहली बात यहाँ पर समझ लीजिएगा कि टेंस की जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत होती है, एक्शन, यानी जो हमारा टेंस होता है वो किस चीज की स्टडी कराता है, एक्शन की, यानी वर्ब की स्टडी कराता है। कहने का मतलब कि जो हमारा एक्शन हो रहा होता है वो एक्शन कैसा एक्शन है, प्रेजेंट का एक्शन है कि पास्ट का एक्शन है कि फ्यूचर का एक्शन है। अगर प्रेजेंट का एक्शन है तो वो कैसा है, वो इंडेफिनिट एक्शन है या फिर इंट्रोगेटिव में आ रहा है, इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव में आ रहा है, यानी किस तरह का वो एक्शन है, इस चीज की स्टडी कराने वाला कौन होता है, टेंस होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक चीज क्लियर होती है कि एक टेंस तभी हो सकता है जब उसमें बच्चे क्या हो, आपके पास वर्ब हो। एक टेंस तभी टेंस होगा जब आपके पास क्या हो बच्चे, वर्ब हो। अच्छे समझिएगा कि एक टेंस तभी टेंस होगा जब उसमें आपका क्या हो, वर्ब हो, क्योंकि जब वर्ब होगा तभी हमको एक्शन के बारे में पता चलेगा, तभी हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंस में वर्ब ग्रहण हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। अगर प्रेजेंट में हो भी रहा तो एक्शन कैसा है, इंडेफिनेट एक्शन है कि कंटिन्यूअस एक्शन है कि परफेक्ट एक्शन है, इन सब चीजों की स्टडी कौन कराता है, हमारा टेंस कराता है। तो यानी एक टेंस को होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, और उसमें वर्ब
होना मस्त होता है कि उसमें वर्ब भी होना चाहिए। लेकिन जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका एक कंप्लीट सेंस होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब है कि नहीं इस चीज से कोई मायने रखता, क्योंकि यहां पर जो वर्ब होगा वो वर्ब हमारा कैसा यहां पर चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए, एक एक्शन वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए बच्चों? एक्शन वर्ब, जैसे प्ले हो गया, सिंग हो गया, डांस हो गया, क्राई हो गया, प्लेइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस्ड हो गया, यानी जो वर्ब की हमारी फॉर्म होती है, जो एक्शन वर्ब हमारे होते हैं वो चाहिए हमको यहां पर। जो एक्शन वर्ब होते हैं हमको एक टेंस के लिए ये चाहिए, और जो हमारा सेंटेंस होता है उसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ठीक है, बिल्कुल सही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, उसमें हमारा एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें वर्ब है कि नहीं है, अगर वर्ब है तो हमारा टेंस हो जाएगा, वर्ब नहीं है तो टेंस और सेंटेंस दोनों हो जाएगा। यानी सेंटेंस को होने के लिए वर्ब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेंस को होने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे यहां पर हमें लिखा दिस इज अ बुक, तो बच्चे फिर ये दिस इज अ बुक जो हमारा है ये हमारा फिर कोई टेंस नहीं है, दिस इज अ बुक हमारा कोई टेंस नहीं है, क्योंकि सर यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये हमारा फिर टेंस नहीं है क्योंकि यहां पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो यहां पर हमने देखा कि अब यहां पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीटली अरेंज्ड है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस होते ही ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस का अपने आप में एक पार्ट बन गया। हमने देखा सर कि यहां पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक दे दिया गया है, तो ये हमारा फिर असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हमने कहा कि रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल जैसे हमने यहां पर कहा, तो आपने देखा क्या कि सर यहां पर क्या है? प्लेइंग। यहां पर हमने क्या पाया? वर्ब पाया। तो यहां पर मतलब क्या हुआ सर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीटली अरेंज्ड है, इसका एक अपने आप में मीनिंगफुल सेंस है, क्योंकि रोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो यहां पर हमने क्या पाया? वर्ब पाया। तो जैसे हमने यहां पर वर्ब पाया तो हमने कहा कि सर ये हमारा क्या है? टेंस है। और फिर हमने देखा इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसके वर्ब की फॉर्म को देखा कि सर यहां पर इज़ एमआर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म लगा है, तो मतलब सर ये कैसा हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए यहां पर टेंस और सेंटेंस, अब बात मन में आ रही है कि क्या सर सभी टेंस सेंटेंस हो सकते हैं या क्या सभी सेंटेंस टेंस हो सकते हैं? तो यहां पर थोड़ा सा अंतर निकालिएगा। हमने कहा कि एक टेंस को होने के लिए क्या चाहिए हमको? वर्ब चाहिए, जिसमें मेन वर्ब मिल जाए वो हमारा टेंस भी है और वो हमारा सेंटेंस भी होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की डिफिनेशन ही यही थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसका एक कंप्लीट सेंस हो, वो अपने आप में कंप्लीटली अरेंज्ड हो, तो वही हमारा क्या है? और ग्रामेटिकली सही हो तो वो हमारा सेंटेंस है। तो हमने देखा सर कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस है और ग्रामेटिकली सर करेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। फिर यहां पर भी हमने देखा कि सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसका कंप्लीट सेंस है, ग्रामेटिकली सही है, तो ये टेंस के साथ साथ सर ये क्या है? सेंटेंस भी है। और वर्ब भी यहां पर है, तो यहां पर क्या हो गया? हमारा टेंस भी है। तो यहां पर से हम लोग डिफरेंस क्या निकाला यहां पर सेंटेंस टेंस के लिए कि सर एक टेंस को होने के लिए वर्ब का होना मस्ट है, अगर उसमें मेन वर्ब होगा तभी वो टेंस होगा, लेकिन एक सेंटेंस को होने के लिए मेन वर्ब हो या ना हो वो अपने आप में कंप्लीटली अरेंज्ड हो और अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस हो, ग्रामेटिकली सही हो, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि सर सभी के सभी जो टेंस होते हैं वो सबके सब क्या हो सकते हैं? सेंटेंस होते हैं। सारे के सारे जो टेंस होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। और लेकिन सभी के सभी सेंटेंस टेंस नहीं हो सकते, क्योंकि टेंस को होने के लिए हमें वर्ब चाहिए। तो यहां पर हमने क्या अंतर निकाला कि सर टेंस और सेंटेंस के बीच का अंतर बस इतना है कि सर जो टेंस होगा उसमें मेन वर्ब चाहिए, जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब हो या ना हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो कंप्लीटली अरेंज्ड हो, उसका एक मीनिंगफुल सेंस हो, वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। और हमने फिर ये जाना कि सभी के सभी जो टेंस होते हैं वो सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी जो सेंटेंस होते हैं वो टेंस नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटेंस के लिए मेन वर्ब होना मस्ट नहीं है, लेकिन टेंस के लिए मेन वर्ब का होना मस्ट है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि टेंस और सेंटेंस के बीच का भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, सेंटेंस सेंटेंस जो होता है इसे हम लोग कहते क्या है? वाक्य। सेंटेंस में बहुत सी चीजों की स्टडी हम लोग कर सकते हैं, अगर एक एक करके करते गए
लेकिन हम चाहेंगे कि जितना हो सके आपको आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते रहें। तो सबसे पहले सेंटेंस के हम काइंड्स की बात करते हैं। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस हमारे तीन होंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और फिर सिंपल के हमारे पांच होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इस चीज की स्टडी हम लोग थोड़ा सा एक सेपरेट टॉपिक में कर लेते हैं। अभी चलते हैं हम लोग सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ते हैं, इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की टॉपिक से तोड़ करके फिर इसकी स्टडी करते हैं हम लोग। तो जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग दो टॉपिक में तोड़ते हैं। एक हमारी टॉपिक क्या बनेगी, सब्जेक्ट, और दूसरी क्या बनेगी, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इस चीज की भी स्टडी थोड़ा सा करेंगे हम। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कहते क्या है, कर्ता। और प्रेडिकेट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता, प्रेडिकेट का मतलब बच्चों क्या हुआ, विधेय। तो आइए समझते हैं पहले कर्ता किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी सेंटेंस में कर्ता का मतलब थोड़ा समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस लिखा है और अगर उसमें जो काम हो रहा है, क्या बच्चों, जो काम हो रहा है उसको करने वाला, यानी जो डूअर होता है, डूअर यानी जो काम एक सेंटेंस में हो रहा है उसको करने वाला किस नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट के नाम से। यानी बच्चों ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हम इस चीज की भी स्टडी करते हैं। तो पहले यहां पर आप लोग एक सिंपल से लैंग्वेज में अपने अंदर एक चीज को बैठा लीजिए कि एक सेंटेंस में जो कुछ ना कुछ करता है, जो कुछ ना कुछ काम करने का काम करे, वही क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट। और फिर बचा हुआ पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी द पार्टिकुलर नाउन आर प्रोनाउन आर कंप्लीमेंट ऑफ नाउन। सेंटेंस में सब्जेक्ट तीन ही हो सकते हैं, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो कंप्लीमेंट ऑफ नाउन। और कंप्लीमेंट ऑफ नाउन में क्या क्या आ गया, आपका फ्रेज हो गया, क्लास हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जीरेंड हो गया। यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की एक लिमिटेशन होती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके फिर समझते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, यानी हर एक चीज की लिमिट तक जा करके थोड़ा सा उसको समझने का काम करते हैं। तो सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर से सब्जेक्ट, तो बच्चों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारी तीन चीजें हो सकती हैं। एक बच्चों क्या हो सकता है हमारा, नाउन। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, प्रोनाउन। भाई नाउन का जो स्थान लेगा वही प्रोनाउन। तो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह जो काम करते हो कौन कौन से, नाउन या प्रोनाउन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के कंप्लीमेंट होते हैं वो। यानी आप लोग अक्सर घर में देखते हो घर का मेन गार्जियन कौन होता है, पिताजी। तो यहां पर इसको आप समझ सकते हो कि नाउन क्या है, घर के पिताजी। जैसा कि देखो घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो मिलने आता है, किससे मिलता है, पिताजी से। भैया पापा जी कहाँ हैं, तो सीधी सी बात हमने कहा कि पिताजी यहाँ पर हैं। पिताजी अगर नहीं है तो फिर वो किससे बात करते हैं, माता जी से, कि मम्मी कहाँ से छोड़ी, पिताजी ने, मम्मी जी से मैं बात कह देता हूँ। तो बच्चों भाई क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन। समझ लीजिएगा इसको अच्छे से कंसेप्ट से जोड़ करके कि भाई घर के मेन गार्जियन पिताजी, पिताजी नहीं है तो फिर कौन हो गए, माता जी। और कभी कभी पिताजी और माता जी दोनों लोग नहीं होते तो फिर कोई घर में गार्जियन आया, हेलो भैया कहाँ है, तो बोले हाँ भाई बताओ क्या है, पापा जी कह रहे बताओ तो क्या काम है, खुद ही पिताजी बन जाते हैं। तो वो बात जो बात गलत है। तो यानी बच्चों यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ नाउन का मतलब क्या हुआ, माता और पिताजी के द्वारा किए गए क्या, प्रोडक्ट्स। यानी घर के मेल सदस्य कौन है, पिताजी, पिताजी नहीं है तो फिर माताजी, माताजी भी नहीं है तो बच्चों सदस्य कौन बन जाता है, घर का मुखिया। यानी कंप्लीमेंट ऑफ नाउन, यानी घर के जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, या माता पिता के जो बच्चे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे घर के मुखिया बन जाते हैं। तो कहने का मतलब जो सेंटेंस का मेन होता है वो कौन होता है, नाउन। और वो नहीं है तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और बच्चों फिर वो नहीं है तो बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ नाउन। तो कंप्लीमेंट ऑफ नाउन में बच्चों क्या क्या आता है, इस चीज को भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग रख सकते हैं कि फ्रेज। बच्चों फ्रेज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है। दूसरा बच्चों क्या फंक्शन करता है, क्लास। बच्चों फ्रेज क्लास की एक बहुत सेपरेट टॉपिक लेकर के स्टडी करेंगे, जब वो आपके टॉपिक से अंतर्गत आएंगे तो उसकी स्टडी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप समझिएगा कि सब्जेक्ट की तरह कौन कौन फंक्शन कर सकता है। तो पहले कौन बच्चों, फ्रेज। इसके बाद बच्चों कौन, क्लास। इसके बाद बच्चों कौन, इन्फिनिटिव। बच्चों इन्फिनिटिव क्या, जो बच्चों हमारा जो टू होता है, टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पूरा का पूरा टू वाला जो फंक्शन वर्ब के साथ लग करके आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ये टॉपिक बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे।
जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब की स्टडी होगी, तो वहां पर हम लोग इसकी भी स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारी टॉपिक आती क्या है, जीरंड। जीरंड बच्चों क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से बच्चों हमारी जीरंड बनती है। ये जीरंड क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो ये सब चीजें स्टडी किसमें करेंगे, वर्ब में, क्योंकि वर्ब के अंतर्गत भी आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती है। तो वहां पर हम वर्ब को जब एडवांस लेवल पर स्टडी करेंगे तो वहां पर इस चीज को लेकर के स्टडी करेंगे कि कैसे ये हमारा फंक्शन करता है, कैसे ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, कैसे चीजों को प्रोसीड करता है। तो चीजों को वहां पर हम स्टडी से सीरियसली कर लेंगे इसको, कि हाँ इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये सारे की सारे टॉपिक हम लोग कहाँ पर कर लेंगे, वर्ब पे कर लेंगे। अभी यहाँ पर छोटे मोटे एग्जाम्पल से इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफी अगर इसमें डीप में चले गए तो बहुत लंबी टॉपिक भी हो जाएगी। तो हम लोग इन सब चीजों की स्टडी के टॉपिक्स के अंतर्गत करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कि सब्जेक्ट के जो हमारे टाइप्स होंगे, यानी काइंड्स हमारे कौन कौन से, एक नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ नाउन हो गया, और कंप्लीमेंट ऑफ नाउन में क्या हो गया, फ्रेज हो गया, क्लास हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जीरंड हो गया। यानी यहाँ पर एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं वो कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, क्लास, इन्फिनिटिव एंड जीरंड। इतनी चीजें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकती है। अब इसके बाद प्रेडिकेट, अब बात करते हैं हम लोग क्या, प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो प्रेडिकेट का मतलब बच्चों क्या हो गया, विधेय। प्रेडिकेट का मतलब बच्चों क्या हो गया, विधेय। तो यहाँ पर आप लोग पहले सब्जेक्ट के डिफिनेशंस को क्लियर कर लीजिएगा, फिर प्रेडिकेट के, फिर दो तीन सेंटेंस लिख करके उसमें हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, अ पार्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन और कंप्लीमेंट ऑफ नाउन दैट डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसे हम लोग क्या कहते, ओ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट। यानी अ पार्टिकुलर नाउन आर प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, अभी हमने उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन भी किया है तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अ पार्टिकुलर नाउन आर प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, यानी एक विशेष नाउन, प्रोनाउन या फिर जो नाउन के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, नाउन के जो पूरक होते हैं, जो नाउन की तरह फंक्शन कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन का मतलब बच्चों ऐसी चीजें जो नाउन की तरह फंक्शन कर लेती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, यानी कि वो विशेष नाउन, प्रोनाउन या नाउन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो एक सेंटेंस में कैसा काम करता है, कुछ ना कुछ करने का काम करता है, जो दैट डज समथिंग, यानी जो कुछ ना कुछ करता है, वही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट होता है। और जहां तक मैं प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं विधेय, यानी कि द पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर आप कह सकते हो द पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो बच्चे को वही सब बताएगा। तो यानी कि यहां पर कह सकते हो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। या आप इसको सिंपल करने के लिए, जब कभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की बात आ जाए तो वहां पर इसको आप सिंपल करने के लिए आप कुछ इस तरह से कह सकते हो, टू लेफ्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्या बच्चों, टू लेफ्ट सब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ करके जो बच्चे का, वो सबका सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, टू लेफ्ट नहीं बच्चों, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा भी हमने कहा टू लीव, लीव होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, टू लीव सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सबका सब क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचेगा वो सबका सब आप किसमें चले जाएंगे, प्रेडिकेट में ले जाएंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो जो कुछ ना कुछ करे वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए वो प्रेडिकेट,
और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो पूरा पूरा आप इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो सेंटेंस में बचा हुआ हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो आइए दो तीन सेंटेंस लिख लेते हैं और वहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों होता क्या कि एक जनरल सी बात होती है, आप लोगों की एक्सरसाइज में पढ़ी होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए, इसमें बताइए क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। तो आइए थोड़ा सा उसको जनरल सा दो तीन सेंटेंस लिख करके उसको काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। तो फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट की चर्चा करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम और भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारी और लेंगे इसमें से, फिर सब्जेक्ट के हम पार्ट्स भी इसको तोड़ेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट्स को भी हम आगे लेकर के चलेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लियर करते हैं हम लोग कि लिख लेते दो तीन सेंटेंस, सी इज राइटिंग अ नॉवेल इन द स्कूल, हमने कह दिया राजू हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ही सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, मोहन हैज डन हिज होमवर्क। आइए देखिए यहाँ पर चार सेंटेंस लिखे, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको छांटना है। तो यहाँ पर हमने कहा सी इज राइटिंग अ नॉवल इन द स्कूल, यानी वो स्कूल में एक नॉवल लिख रही है, सी इज राइटिंग अ नॉवल इन द स्कूल, यानी वह स्कूल में एक नॉवल लिख रही है। तो यानी यहाँ पर बच्चों राइटिंग करने का काम यानी लिखने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों में जाना कौन कर रहा है, सी। एक सेंटेंस में जो फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रही है, सी कर रही है, यानी लिखने का काम स्कूल में कौन कर रही है, सी। यानी यहाँ पर जो फंक्शन कर रहा है वो क्या हो गया हमारा, सबसे। तो बच्चों ये बाकी का बचा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा आपका किस नाम से हो जाएगा, जाना जाएगा प्रेडिकेट। हमने कहा राजू हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ बच्चों हॉकी खेलने काम कौन कर रहा है, राजू। कौन खेल रहा है बच्चों, राजू। तो यहाँ पर राजू क्या हो गया आपका, सबसे। बाकी हमने कहा ना जो बचे पूरा का पूरा वो सब का सब क्या हो गया, प्रेडिकेट। ही सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, ये मेलोडियस सॉन्ग कौन गा रहा है, तो यहां पर आपने कहा ही। तो यहां पर से आपने क्या जाना कि सर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर हमने कहा मोहन हैज डन हिज होमवर्क, यानी यहां पर होमवर्क किसने किया, आपने कहा सर मोहन, तो यहां पर मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी एक सेंटेंस में जो कुछ ना कुछ कर रहा है वही सब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब थोड़ा सा हम छोटी मोटी एक दो बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी की, कि एक सेंटेंस में बच्चों जो बेसिक चीजें होती हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स क्या है, पहले इस लेवल पे इसको समझ लेते हैं कि कैसे पता करेंगे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, अदर्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वहां पर से आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा जब डिफरेंस करोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, जब आप जान जाओगे सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर चलते उसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए थोड़ा सा कैसे जानेंगे सर कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक जो नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, अब इसकी हम पार्ट्स की स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा एक जो बच्चों नॉर्मल सा सेंटेंस होता है उसमें कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला हमारा हो जाता क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या हो जाता है, वर्ब। तीसरा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। चौथा क्या हो जाता है हमारा, अदर्स। फिर इनमें हम लोग पार्टीशन करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर सब्जेक्ट में कई चीज़ों की स्टडी करते हैं कि क्वालिफायर क्या है, डिटरमाइनर्स क्या है, हेडवर्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से कंप्लीमेंट ऑफ नाउन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं, तो वो सब की सब स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पर वर्ब आएंगे, तो फिर हम यहाँ पर वर्ब की स्टडी थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे, बाकी वर्ब की स्टडी वर्ब के टॉपिक में कर लेंगे।
फिर हमारा ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस चेंजिंग कैसे इनकी होती है, इस चीज़ की स्टडी करेंगे। फिर अदर्स में सर प्लेस डिनोटिंग कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट डिनोटिंग अदर्स कैसे रखे जाएंगे, इनकी प्लेसिंग कैसे होगी, तो सब की सब स्टडी हम अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ा करके करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमको जो समझना है वो समझना क्या सर कि एक सेंटेंस में नॉर्मली जनरली तौर पर हम लोग कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स को पता करें। तो आपको लोगों ने कहा सब्जेक्ट का मतलब सर क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब बच्चों काम करने वाला, यानी बच्चों एक सेंटेंस में जो कुछ ना कुछ काम करता है वही सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब का मतलब बच्चों क्या होता है, क्रिया। क्रिया का मतलब बच्चों जो काम हो रहा हो। और ऑब्जेक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, वस्तु। इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी वह वस्तु। ये कौन सी वस्तु होती है, वह वस्तु जिस पर क्रिया कार्य करती है। अदर्स का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, अन्य, यानी जो बचा खुचा बच्चों सेंटेंस का हिस्से होते हैं, तो बच्चों हमारे किस में आ जाते हैं, अदर्स में आ जाते हैं। आइए एक सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में, पहले उसको समझते हैं कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर्स को आप समझेंगे, फिर हम आगे लेके चलते हैं। तो देखिए हमने इसे कहा कि बच्चों राहुल इस मैदान में, छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं बच्चों समझने के लिए आपके, फुटबॉल खेल रहा है। तो देखिए बच्चों यहां पर से सबसे पहले सब्जेक्ट छांटते हैं, सब्जेक्ट मतलब करता मतलब काम करने वाला, कौन काम कर रहा है बच्चों, तो राहुल। तो राहुल क्या हो गया आपका, करता। वर्ब क्रिया जो काम हो रहा हो, काम क्या हो रहा है बच्चों, खेलने का, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यानी जिस पर क्रिया कार्य करती है। बच्चों खेलने काम किस पर हो रहा है, तो आपने कहा सर खेलने काम सर तो फुटबॉल पर हो रहा है, तो फिर ये बच्चों आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चा पूछा क्या, इस मैदान में, तो ये आप बच्चों क्या हो गया, अदर्स यानी अन्य हो गया। अब बच्चों अगर यही सेंटेंस आपकी इंग्लिश में हो, तो सर इंग्लिश में कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स को पता करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको इंग्लिश के सेंटेंस में पहचानने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों इंग्लिश के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स को पहचानना काफी आसान है, बस आइए समझते हैं कैसे। देखिए बच्चों एक सेंटेंस में अगर आपने वर्ब को जान लिया, मेन वर्ब को आपने पकड़ लिया, तो बच्चों मेन वर्ब अपने आप में सब कुछ बता देता है सेंटेंस में कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या अदर्स है। अब मुद्दा उठता है सर कि मेन वर्ब कैसे पता करें, तो बच्चों जो मेन वर्ब होता है उसको भी पता करना बड़ा आसान है। एक सेंटेंस में बच्चों जो आपको अपने नेचुरल फॉर्म से बदला बदला दिखे, जिसको जान लो कि सर आजकल इसके मिजाज कुछ ठीक ठाक नहीं है, कल तो जो हमको मिला था तो ये कुछ ऐसा मिला था, और आज जब ये मिल रहा सर तो देखिए कैसे रंग बिरंगे निराले अंदाज में मिल रहा है, कहीं ना कहीं सर इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रंग बिरंगा तो चल ही रहा है। यानी जब आपको वो कुछ रंग बिरंगे ढंग के स्टाइल में मिल रहा हो, हमने कल उसको देखा था कि सर वो नॉर्मल सा उदास सा चला जा रहा था, आज बड़ा खिलखिला रहा, बड़ा रंग बिरंगे कपड़े पहन कर टहल रहा है, चश्मा टाई बेल्ट सब कुछ लगा रखा है, पक्का यही बदला बदला सा है, तो पक्को बच्चों वही क्या है, वर्ब है। जिसके रंग मिजाज ढंग बदल जाए, यानी उसकी जिंदगी में कोई ना कोई आ जाता है, तभी उसके रंग बिरंगे मिजाज बदलते हैं। अब उसकी जिंदगी में क्या रहा है वो तुम खुद अंडरस्टैंड कर लो, और आप यहां समझ लेते हो क्या क्या आ रहा है। और जैसे ही बच्चों उसमें कुछ आ जाएगा तभी उसके रंग बिरंगे मिजाज बदल जाएंगे, और जैसे मिजाज बदलते हैं जिस सेंटेंस में जिसके मिजाज बदले मिल जाए, जो रंग बिरंगे निराले अंदाज में आ जाए, वही बच्चों क्या है, वर्ब है। बस उसको पकड़ लो, बाकी सब कुछ मिल गया। तो आइए देखते हैं यहां पर पहले कैसे पता करें, फिर हम देखते हैं सर इसके अंदाज कैसे बदलते हैं। देखिए बच्चों वर्ब को पकड़ लिया सर, यही बदला बदला रंग बिरंगे निराले अंदाज इसी के हैं, और यही पकड़ा गया सर, और यही क्या है, वर्ब है। अब बच्चे वर्ब से हु शब्द लगा करके, वर्ब से बच्चों हु शब्द लगा करके जब आप क्वेश्चन करोगे, तो ये किस चीज के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए बच्चों हमने कहा था कि नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो बच्चों नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी होता है।
तो बच्चों एक सेंटेंस में जो नाउन का पता करना होता है बच्चों क्या होता है, हु व्हाट या हुम, तीन शब्द से पता करते हैं। लेकिन एक नाउन जब सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा उसके साथ बच्चों कौन सा हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चन वर्ड, हु लेकर के आएंगे। हु शब्द लगा के प्रश्न पूछो आपको बच्चों जनरली नॉर्मली तौर पर ही आपको सब्जेक्ट की जानकारी दे देगा। इससे बच्चों व्हाट शब्द लगा के प्रश्न पूछो तो बच्चों ये आपको क्या बता देगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बता देगा। अब बच्चों ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जब हुम लगाओगे तो वो आपको इनडायरेक्ट बताएगा, व्हाट लगाओगे तो आपको डायरेक्ट। तो हम इसकी स्टडी जब बच्चों नाउन को पार्ट्स में तोड़ेंगे तो वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टडी कर लेंगे। अभी यहां पर नॉर्मल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर समझो, इनके पार्ट्स के बारे में भी हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे यहां पर। तो हु लगाकर पूछा तो हमने क्या जाना, सब्जेक्ट। व्हाट लगा दिया तो बच्चों क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। और बच्चों जैसे इससे क्या लगाओगे, वेयर शब्द लगाओगे तो ये आपको क्या बता देगा, अदर्स के बारे में। हु मीन्स बच्चों कौन, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां। चलिए आइए देख दो तीन सेंटेंस लिख लेते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कहा सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट इन दिस प्ले ग्राउंड। आइए पहले बच्चों वर्ब को छांटते हैं। तो बच्चों हमने यहां पर देखा कि सचिन, सर जिंदगी भर सचिन को हमने ऐसे ही देखा है, आज तक कभी इसको हमने अलग ढंग से नहीं देखा। इज को भी हमने वैसे ही देखा, क्रिकेट को भी हमने वैसे ही देखा, जैसा सा देखा हमेशा ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इन भी ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, दिस भी वैसा ही है और प्लेग्राउंड भी वैसा ही है। सर यहां पर थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं, जो ये प्लेइंग वर्ड मिला है सर, इसको कल हम देख रहे थे चौराहे पर जब ये चाय पी रहा था, तो सर ये क्या था, प्ले था। जब ये चौराहे पे चाय पी रहा था तभी ये क्या था, प्ले था। आज सर ये अपनी फैमिली में आकर के जुड़ा, तो जैसे सर इसमें प्ले जुड़ा तो सर ये क्या हो गया, प्लेइंग सर यहाँ दिख रहा है। हमने तो सर इसके क्या पढ़ा था, प्ले पढ़ा था, लेकिन आज सर यहाँ पर क्या है, ये प्लेइंग है। यहाँ पर ये क्या है, प्लेइंग है। तो मतलब सर एक सेंटेंस में जो बदलने का काम कर रहा है, जो बदला बदला सा है, ये जो अपने आप को बदलने की कैपेसिटी रख रहा है वो कौन सा वर्ड है, प्लेइंग। तो प्लेइंग ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। ये लो आपको तुरंत मिल गया क्या, वर्ब। चलिए से पूछिए कौन खेल रहा है, तो उत्तर मिला क्या बच्चों, सचिन खेल रहा है। क्या खेल रहा है, अरे सर क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कहां खेल रहा है, प्ले ग्राउंड में, तो ये क्या मिल गया आपको, अदर्स मिल गया। हमने कहा माय मदर प्रिपेयर्स कॉफी इन द किचन, माय मदर प्रिपेयर्स कॉफी इन द किचन। सर यहां पर कौन बदला है, प्रिपेयर्स, प्रिपेयर पढ़े थे, आज क्या है ये, प्रिपेयर्स है। तो यही पकड़ लिया सर, यही क्या है, वर्ब है। चलिए से पूछते हैं हु इज प्रिपेयरिंग कॉफी इन द किचन, आपने कहा सर माय मदर, तो यहां पर क्या हो गया, सबसे व्हाट डज माय मदर प्रिपेयर, तो आपने कहा सर कॉफी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड वेयर किचन में, तो ये क्या हो गया, अदर्स। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग एक नॉर्मल तौर पर जो सेंटेंस होते हैं वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स को अच्छे से छांट सकते हो। तो यहां पर हमें देखा सर कि जो वर्ब होता है, वर्ब से हु शब्द लगाओगे तो सब्जेक्ट, व्हाट लगाओगे तो ऑब्जेक्ट, वेयर लगाओगे तो अदर्स। तो अब बच्चों यहां पर से फिर हमने देखा दो सेंटेंसेस लिखे और इनको हमने समझ लिया अच्छे ढंग से कि सर यहां पर से हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और अदर्स होते हैं वो इस तरह से फंक्शन कर लेते हैं और इस तरह से इनको हम छांट लेते हैं। अब बच्चों आज इस वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में बच्चों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के पार्ट्स को, प्रेडिकेट के पार्ट्स को और इनके अंतर्गत और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर असर्टेन इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बच्चों ओरली जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा केवल समझने की टॉपिक होती हैं कि असर्टेन इंटरोगेटिव, इंपरेटिव क्या है, तो वो नॉर्मली आपको बता देंगे। और इस तरह से हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रयास करेंगे कि आपका ये टॉपिक खत्म कर दें। तो बच्चों तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, ये एक आपको इंट्रोडक्टरी या सेंटेंस की क्लास थी। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हैव अ गुड डे।